चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज के साथ, जहां पे हम एमपी के कुछ फैक्ट्स को तैयार कर रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आयुष पांडे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सिविल पांडा के यूट्यूब पेज को। शरद जोशी अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। शरद जोशी, जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आपके आसपास के जो डीडी चैनल में जो सीरियल्स आते थे, ठीक है, यदि मैं आपको बताना चाहूँ कुछ सीरियल्स आपने देखा होगा, जैसे श्रीमती जी, ठीक है, लापता गंज, ठीक है, बेताल पच्चीसी, इस तरह के कुछ सीरियल्स के ये स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। तो शरद जोशी बहुत ही फेमस आपके पोएट, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और सेटायरिस्ट हैं, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1990 में, और 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। प्लीज याद रखिएगा, पद्मश्री अवार्डी है 1990 में, 91 में इनकी डेथ हो गई थी। बर्थ प्लेस इनकी उज्जैन है, शरद जोशी का बर्थ प्लेस उज्जैन में है। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत सारी हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे इनकी जो एसेज हैं जो सेटायरिकल हैं, ठीक है, ह्यूमरिस्ट है, वो है अथा श्री गणेशाय नमः, बिल्लियों का अर्थशास्त्र, बुद्धिजीवी, अध्यक्ष महोदय, साहित्य का महाबली, ये कुछ सेटायरिस्टिक एसेज हैं शरद जोशी के। इसके अलावा कुछ प्लेज जो सेटायरिकल हैं, एक था गधा उर्फ अलादत खान, अंधों का हाथी, इनके कुछ सीरियल्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, लापता गंज, श्रीमती जी। और इनकी कुछ एसेज के कलेक्शन या बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस्म, मेरे श्रेष्ठ रचनाएं, ये एमपीपीएससी में पूछा भी गया है, यत्र तत्र सर्वत्र, प्लीज याद रखिएगा, प्रतिदिन और यथासंभव, ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो शरद जोशी के आपको बनने चाहिए, आपके थ्री मार्कर्स में भी काम आएंगे, और आपसे यदि प्रीलिम्स में कोई एमसीक्यू आए तो आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। शरद जोशी अवार्ड खुद जिस फील्ड में थे उसी फील्ड में यदि आप आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, यदि आप हिंदी सटायर लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, डायरी लेटर से रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, मतलब राइटिंग के फील्ड में आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको 2 लाख का अवार्ड मिलेगा। और ये अवार्ड 92-93 उनके मरने के एक साल बाद, 1991 के बाद 92-93 से स्टार्ट हुआ है। यदि इसके फर्स्ट अवार्डी की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका एमपीपीएससी का, हरिशंकर परसाई को पहला शरद जोशी अवार्ड मिला था 2019 में, कैलाश मांडलेकर हरदा से हैं, विजय मनोहर तिवारी भोपाल से हैं, और श्रीराम परिहर खंडवा 2021 का शरद जोशी अवार्ड श्रीराम परिहर खंडवा को मिला है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी मांग आ रही है एमपी फैक्ट्स को लेके, और हम सिविल पांडा में आपके सभी तैयारी के लिए सभी असला बारूद लेके आ रहे हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ।